दुर्ग से रायपुर के बीच नेशनल हाईवे पर खराब सड़क को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। पहले तो कार्यकर्ताओं ने देश की भूपेश सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला और उसके बाद सड़कों में बने गड्ढों में जहां पानी भरा हुआ था वहां मछली पकड़ते हुए प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ता मछली पकड़ने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले यंत्र से मछली पकड़ते दिखे। दरअसल नेशनल हाईवे के किनारे बनी सड़कें नगर निगम और जिला प्रशासन के अंतर्गत आती हैं, लेकिन इन सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार सड़कों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। सड़क पूरी तरह से खराब हो चुकी है, सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन सड़क को लेकर पूरी तरह से खामोश है। कमिश्नर साहब ने हमको बोला था कि हम इसको जल्दी करेंगे, लेकिन कमिश्नर साहब ने कोई सूझ नहीं दी। इसके बाद हमने कलेक्टर साहब को बताया, कलेक्टर साहब बोले हाँ यार, मैं भी देख करके आया था और वहाँ पर गड्ढे पूरे हैं और काम ठीक से नहीं हो पा रहा है और मैं उसको प्रयास कर करवाऊंगा। इसके बावजूद कल फिर मैंने कलेक्टर साहब से मिलकर बोला, हम स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, हमारी पार्टी अनुशासन की पार्टी है, हम लोग कोई दंगे में विश्वास नहीं करते, लेकिन जब हमको मजबूर कर दिया जाता है, परसों हमने बोल दिया था कि अब हम निगम के पास नहीं जाएंगे, निगम हमारे पास आएगा, इसलिए आज हमको इतना उग्र प्रदर्शन करना पड़ा ताकि निगम आए और निगम के लोग आए समस्या निकाले। और आने के बाद आज निगम के अधिकारियों ने बोला कि 11 तारीख से काम चालू होगा। वहीं इस पूरे प्रदर्शन के दौरान पुलिस कर्मियों से भी कार्यकर्ताओं की झड़प देखने को मिली, जिसके बाद पुलिस बीजेपी कार्यकर्ताओं को समझाते दिखे। चौक में जो कि सुमेला थाना क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ताओं रोड के निर्माण को लेकर, रोड में हुई समस्याओं को लेकर और इनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था। पुलिस के द्वारा समझाइश दिया गया, समझाइश देने के बाद नगर निगम अधिकारी के आश्वासन के बाद रोड के किनारे हुए हैं, विरोध जो है और स्थिति शांतिपूर्ण कंट्रोल। फिलहाल इस पूरे मामले पर नगर निगम के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे, जिसके बाद अधिकारियों ने जल्द ही सड़कों के गड्ढे भरवाने की बात कही।